हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको कोरोना वायरस को लेकर एक सैड स्टोरी सुनाने वाली हूँ। प्लीज़ देखिए, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर भी कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। लेट्स सी। आज की खास खबर है, इंडिया में कोरोना वायरस बढ़ जाने के कारण आज से ठीक 15 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। मास्क लगाएं, अपने हाथों को हर वक्त सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जैस्मिन के पापा देख रहे हैं हमारी देश में कोरोना वायरस कितना बढ़ गया है, इसी कारण लॉकडाउन भी हो गया है। जाओ अपनी लाडली बेटी जैस्मिन को बता के आओ। आपका काम का क्या होगा? मैं बॉस से बोलकर ऑनलाइन काम करूंगा। जैस्मिन के पापा, मैं अभी जाके जैस्मिन को बता के आती हूँ। ठीक है, जाओ। जैस्मिन बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि कल पार्टी में कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ। तुम्हारी दिमाग तो नहीं खराब हो गई है? कैसा पार्टी, कौन सा पार्टी, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों माँ, क्या हुआ? पापा ने आपको कुछ बोला क्या? तुम्हें पता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस कितना बढ़ चुका है, इसी कारण 15 दिन तक लॉकडाउन भी हो चुका है। तुम कहीं नहीं जाओ बेटा, घर में ही रहो। अरे मॉम, कोरोना वायरस बोल के कुछ नहीं होता, ये न्यूज़ के लोग बस झूठ झूठ खबर देते हैं। बेटा तुम पागल हो क्या? न्यूज़ के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमें अलर्ट करते हैं। अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से कर दूंगी। ओके मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग। ओह, सुबह हो गई है, जाके ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। खाना बहुत टेस्टी था। पापा कहाँ पर है? तुम्हारे पापा कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। ठीक है मॉम, मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ। ओह, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, जाके अपने फ्रेंड बेथनी से मिल के आती हूँ, मम्मी से छुपकर। ओह अच्छा हुआ मम्मी से छुपकर घर से बाहर निकल गई हूँ, अब जाके बेथनी से मिलूंगी और बहुत इंजॉय करूंगी। रास्ता में तो कोई नहीं है मेरे सिवा, जल्दी से बेथनी के घर जाती हूँ। हाय मेरी दोस्त जैस्मिन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम ऑलवेज फाइन। कोई मिले ना मिले, हम दोनों मिलेंगे। ओके ओके माय फ्रेंड जैस्मिन, गुड बाय। ओ जल्दी से, अब मुझे अपने बेडरूम में जाना होगा वरना मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। थैंक गॉड, अच्छा हुआ मैं सही समय देख के घर में घुस गई, वरना मम्मी मुझे पकड़ लेती। अब जाके कुछ खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ओ मम्मा प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बेटा तुमने हाथ धो लिए हैं क्या? हाँ मम्मी, मैंने धो लिए हैं। आच! अरे बेटी तुम्हें जुखाम कैसे हो गई? जुखाम नहीं मॉम, बस ऐसे ही, आप चिल करो। After 3 days later. आज की ताज़ा खबर है, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर सिंह। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सिंह। सो डॉक्टर, हमें कोरोना वायरस के कुछ लक्षण बताएं। कोरोना वायरस की ये कुछ लक्षण हैं। पहला, बुखार। दो, सांस लेने में तकलीफ। तीन, सर्दी खांसी जुखाम होना। चार, सर में और गला में दर्द। अगर आपके घर के किसी भी सदस्य में ये चारों में से कोई भी सिम्टम दिखे तो अपनी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले। 3 दिन पहले जैस्मिन भी बहुत खास रही थी, मैं जाके उसे देख कर आती हूँ। आज
अरे माँ, तुम यहाँ पर कब आई? देखो ना माँ, मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है, मेरी गला और सर में भी कितनी दर्द है। पापा को प्लीज़ बोलो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अरे बेटा, लगता है जैसे कोरोना वायरस हो गया है। मैं अभी जाके तेरे पापा को बोलती हूँ। लगता है जैस्मिन को कोरोना वायरस हो गया है, अब अभी जाके डॉक्टर को फ़ोन करिए। अरे फ़ोन करने से डॉक्टर थोड़ी आएगा। तो फिर क्या करिएगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तुम उसे तैयार करो, मैं उसे अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जी जी, अभी लेके जाइए। After few minutes. पापा जल्दी चलो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तुम थोड़ा देर वेट करो बेटा। जी पापा। जी बोलिए, अपना प्रॉब्लम बताइए। नहीं, एक्चुअली पेशेंट मेरी बेटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइए उनका प्रॉब्लम बताइए। मेरी बेटी 5 दिन से बुखार से तड़प रही है, साथ में गला दर्द भी है। सर्दी जुखाम है क्या? हाँ डॉक्टर, सर्दी जुखाम सर दर्द सब कुछ है। आई कांट टॉलरेट। ठीक है, बस और कुछ नहीं सुनना, आप कोविड टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। जी थैंक यू डॉक्टर। और आप कल रिपोर्ट लेने आ जाइएगा, लेकिन इनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके डॉक्टर, कुछ मेडिसिन तो दीजिए। नहीं नहीं, अभी मैं कुछ मेडिसिन नहीं दे सकता, आप पहले रिपोर्ट निकल जाए उसके बाद मैं दे दूँगा। ठीक है डॉक्टर। नेक्स्ट डे एटी हॉस्पिटल। जैस्मिन की हालत दिन बे दिन बिगड़ रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आहा, टेंशन मत करो, रिपोर्ट तो आने दो। आई होप हम लोगों की बेटी ठीक हो जाए। जैस्मिन शर्मा, प्लीज कम फॉर रिपोर्ट। जाइए ना जी, जैस्मिन का नाम पुकार रहे हैं। डॉक्टर सब ठीक है ना? आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, जैस्मिन का रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला। अब क्या होगा डॉक्टर, कुछ एडवाइस दीजिए। देखिए मिस्टर शर्मा, बाहर हालत बहुत ख़राब है, मैं एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, जैस्मिन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए जल्द से जल्द। लेकिन 14 डेज का आइसोलेशन ठीक होगा? आपने एडवाइस मांगा, मैंने दिया, बाकी आपका चॉइस। ठीक है, आप कुछ मेडिसिन लिख दीजिए। इन एक डाउट है, आप लोग घर में क्या जैस्मिन का सही से इलाज कर पाइएगा? हम लोग ठीक से ध्यान रखेंगे, लेकिन एडमिट नहीं करूँगा, सॉरी। एज योर विश मिस्टर शर्मा, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिया, लेकिन आप लोगों के लिए जैस्मिन को संभालना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ जी, सब ठीक है ना? नहीं, कोरोना पॉजिटिव है। अब क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला था एडमिट करने के लिए। तो फिर कर दीजिए ना जी। नहीं, पहले मेडिसिन ले लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। हाँ हाँ, जल्दी चलिए, जैस्मिन घर पे अकेली है। After 13 days. अरे बेटा, तुम्हारी आँखों में क्या हो गया है? मम्मा, आ, आ, आ। बेटा क्या हुआ तुमको? मम्मा मेरी आँखों के सामने सब अंधेरा हो जा रहा है। जैस्मिन! मैंने अपनी एक गलती के वजह से मेरी बेटी को खो दिया। डॉक्टर की बात हमें सुन लेना चाहिए था। तो गाइस, आपने देखा ही, कोरोना वायरस के वजह से जैस्मिन की मौत हो गई।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर की एडवाइस लेना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। थैंक यू फ्रेंड्स।